आज जो वीडियो मैं लेकर आया हूं वो एक ऐसे है, इससे पहले मैं दो ऐसे डाल चुका हूं, गेम्स स्पोर्ट्स का हो गया है, ग्लोबल वार्मिंग का हो गया है। आज तीसरा जो ऐसे है वो है वंडर्स ऑफ साइंस के ऊपर। तो आइए स्टूडेंट्स, इसको लाइन टू लाइन इसके पॉइंट्स को समझते हैं। इसकी आउटलाइंस जो है वो कुछ इस प्रकार रहेगी: इंट्रोडक्शन, साइंटिफिक इन्वेंशंस, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशंस, इन एजुकेशन, मेडिकल साइंस, इन एग्रीकल्चर, रिक्रिएशन, डिसएडवांटेज ऑफ साइंस, कंक्लूजन। यानी कि लगभग ये 9 पॉइंट्स, इनके आधार पे हम इस ऐसे को समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले एक कोट से इसकी शुरुआत करते हैं। तो कोट कुछ इस प्रकार का है कि साइंस इज द सिस्टमेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ फैक्ट्स। इसका मतलब होता है कि जो विज्ञान है वो तथ्यों का एक सुव्यवस्थित वर्गीकरण है। यानी कि विज्ञान किसे कहते हैं, जब भी किसी भी काम को सिस्टमेटिक तरीके से किया जाता है तो उसको हम वैज्ञानिक कार्य बोलते हैं। तो उसी प्रकार ये कोड बना है कि विज्ञान जो है वो तथ्यों का व्यवस्थित वर्गीकरण है, क्लासिफिकेशन मतलब वर्गीकरण। तो पहला पॉइंट हो जाएगा इंट्रोडक्शन, यानी कि प्रस्तावना या परिचय। इसमें हम लिख रहे हैं, इट इज द एज ऑफ साइंस, विज्ञान का यह युग है। देयर आर मेनी वंडर्स ऑफ साइंस, आज विज्ञान के कई चमत्कार हैं। साइंस प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन अवर डेली लाइफ, कि विज्ञान हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इट हैज मेड अवर लाइफ इजियर एंड मोर कम्फर्टेबल, इसने हमारे जीवन को ज्यादा आसान और ज्यादा आरामदायक बनाया है। साइंस इज नथिंग बट ए सिस्टमेटिक वे ऑफ नॉलेज एंड लिविंग, कि विज्ञान कुछ नहीं केवल एक जीवन जीने का और ज्ञान को लेने का एक सुव्यवस्थित तरीका है, सिस्टमेटिक वे, सुव्यवस्थित तरीका है। उसके बाद दूसरा पॉइंट हो जाएगा हमारा साइंटिफिक इन्वेंशंस, वैज्ञानिक आविष्कार, यानी कि क्या क्या आविष्कार हुए हैं। साइंटिस्ट्स हैव इन्वेंटेड सेवरल थिंग्स एंड मशीन्स, बिग एंड स्मॉल, विच मेड अवर लाइफ कंफर्टेबल, कि वैज्ञानिकों ने अनेक मशीनों का, छोटी बड़ी मशीनों का आविष्कार किया है जिन्होंने हमारे जीवन को आरामदायक बनाया है। इलेक्ट्रिसिटी इज द ग्रेटेस्ट इन्वेंशन ऑफ मैन, कि जो विद्युत है वो एक मनुष्य की सबसे बड़ी, यह कह सकते हैं सबसे बड़ा आविष्कार है। इट सर्व्स अस इन डिफरेंट वेज, जो विद्युत है वो कई प्रकार से हमारी सेवा करती है। ऑल द साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स रन ओनली विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, की जितने भी वैज्ञानिक उपकरण बने हुए हैं या बना दिए गए वैज्ञानिकों ने, वो सभी केवल और केवल विद्युत की मदद से ही चलते हैं। इट रन्स आवर ट्रेन्स, मिल्स एंड फैक्ट्रीज, इससे हमारी ट्रेनें, जो मिलें हैं, फैक्ट्रियां, वो सब विद्युत से चलती है। इट कूल्स एंड वार्म्स आवर हाउसेस, हमारे जो घर है उनको ठंडा गर्म रखने में कौन मदद करती है, विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी। इट वॉशेस आवर क्लोथ्स एंड गिव्स अस फ्रेश एयर, हमारे कपड़े धोने, यानी कि वॉशिंग मशीन जो है वो इसी के कारण से चलती है। गिव्स अस फ्रेश एयर, यानी कि आज हम जो फ्रेश एयर के लिए जो इंस्ट्रूमेंट हमारे घरों में लगाते हैं वो भी इलेक्ट्रिसिटी की मदद से चलते हैं। मॉडर्न लाइफ इज इम्पॉसिबल विदाउट इलेक्ट्रिसिटी, कि आज का जीवन बगैर विद्युत के असंभव है। ये दो पॉइंट हो गए। इसके बाद तीसरा पॉइंट, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, कि यातायात और संचार के साधन। साइंस हैज रिड्यूस्ड द डिस्टेंस ऑफ प्लेसेस, कि विज्ञान ने स्थानों की दूरी को कम कर दिया है। इट हैज सेव्ड आवर टाइम, और इससे हमारा समय बचा है या फिर इसने हमारा समय बचाया है। वी कैन ट्रेवल हंड्रेड्स ऑफ मील्स विद इन ए शॉर्ट टाइम, कि हम एक छोटे से समय में सैकड़ों मीलों की दूरी तय कर सकते हैं। बसेस, कार्स, ट्रक्स, ट्रेन, शिप्स एंड एरोप्लेन्स आर द ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन ऑफ साइंस, कि जितने भी नाम अभी बताए कि बस हो, चाहे कार हो, ट्रक हो, ट्रेन हो, शिप हो, एरोप्लेन हो, ये सभी विज्ञान के बहुत ही महान योगदान है, यानी कि बहुत बड़ी खोज है विज्ञान की। साइंस हैज ब्रॉट पीपल नियरर एंड नियरर, कि विज्ञान ने लोगों को अधिक पास में ला दिया है। रेडियो एंड टेलीविजन आर ग्रेट मीडिया फॉर कम्युनिकेशन, यानी कि इससे पहले अपन ने जो देखा वो यातायात के साधन थे, अब रेडियो और टेलीविजन किसके साधन है, संचार मतलब कि हमारी बात एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना, तो उसके लिए रेडियो और टेलीविजन एक बहुत बड़ा माध्यम है।
वी कैन टॉक टू अवर रिलेटिव्स बाय मोबाइल्स विद इन सेकेंड्स, कि हम हमारे परिचित से मोबाइल के माध्यम से कुछ ही सेकंड में बात कर सकते हैं। अब इसके बाद हम एक और कोट ले रहे हैं इस वंडर्स ऑफ साइंस के ऐसे में, तो कोट कुछ इस प्रकार है, साइंस इज ए वे ऑफ थिंकिंग मच मोर देन इट इज ए बॉडी ऑफ नॉलेज, कार्ल सेगन। यानी कि कार्ल सेगन जो वैज्ञानिक है वो कहते हैं, एक एस्ट्रोनॉमर है, वो कहते हैं कि विज्ञान ज्ञान के स्रोत से ज्यादा सोचने का एक नजरिया है या तरीका है। यानी कि विज्ञान नॉलेज का सोर्स बॉडी तो ही सही, सोर्स तो ही सही, लेकिन उससे ज्यादा, उससे कहीं ज्यादा ये एक सोचने का नजरिया होता है। ऐसा किसने कहा है? कार्ल सेगन ने कहा है। उसके बाद हम चौथे पॉइंट पर आते हैं, इन एजुकेशन, यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में विज्ञान ने कैसे चमत्कार किए हैं। साइंस हैज स्प्रेड एजुकेशन एमंग पीपल, यानी कि विज्ञान ने लोगों के बीच में शिक्षा को फैला दिया है। द प्रिंटिंग प्रेस हैज मेड बुक्स चीप एंड अवेलेबल, कि जो प्रिंटिंग प्रेस जो होती है उसने पुस्तकों को ज्यादा सस्ता और ज्यादा सुलभ लोगों के बीच में कर दिया है। यानी कि पहले प्रिंटिंग प्रेस नहीं थी, इसलिए किताबें इतनी आसानी से पहुंच नहीं पाती थी लोगों के पास। थाउजेंड्स ऑफ बुक्स, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स आर प्रिंटेड एवरी हावर, यानी कि हजारों पुस्तकें, मैगजीन और अखबार हर घंटे छपते हैं। विकिपीडिया, ऑनलाइन बुक्स, यूट्यूब, गूगल आर ग्रेट सोर्स ऑफ नॉलेज, यानी कि चाहे विकिपीडिया हो, ऑनलाइन बुक्स हो, यूट्यूब हो, गूगल हो, ये सभी के सभी विज्ञान के या फिर ज्ञान के एक बड़े स्रोत हैं आज, और ये सब संभव हुआ है साइंस कारण। साइंस हैज स्प्रेड अवेयरनेस एमंग पीपल अबाउट मेनी इश्यूज, कि विज्ञान ने लोगों के बीच में कई मामलों में जागरूकता को बढ़ाया है या फैलाया है। यानी कि लोगों के बीच में जो जागरूकता आज जो बढ़ी है, अंधविश्वास जो कम हुआ है, वो किसकी मदद से हुआ है? विज्ञान की मदद से। अब उसके बाद पांचवा पॉइंट है मेडिकल साइंस, यानी कि मेडिकल फील्ड में क्या क्या योगदान है साइंस के, तो इसमें हम लिख रहे हैं साइंस हैज लेसनड ह्यूमन सफरिंग्स, कि विज्ञान ने मानवीय पीड़ा को कम किया है। इट हैज नॉट ओनली क्योर्ड मैन फ्रॉम टेरिबल डिजीजेस बट आल्सो मेड हिम हेल्थियर एज वेल, कि विज्ञान ने केवल मनुष्य को भयानक रोगों से ठीक ही नहीं किया है बल्कि उसे ज्यादा स्वस्थ भी बनाया है। क्योर्ड मतलब ठीक करना, और टेरिबल मतलब कि भयानक, और डिजीजेस मतलब कि रोग। इट हैज गिवन आइज टू द ब्लाइंड, ईयर शॉट टू द डीफ, लेग्स टू द लेम, यानी कि विज्ञान ने आज अंधे को आंख, बहरे को कान और जो विकलांग है उनको पैर दे दिए हैं। यानी कि विज्ञान ने आज इतनी उन्नति कर ली है कि अगर ऐसा कोई डिसेबल व्यक्ति भी रहता है तो वो अपना जीवन सामान्य तरीके से जी सकता है। इट हैज इंक्रीज्ड द जॉयस ऑफ लाइफ, कि विज्ञान ने जीवन के आनंद को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। पेनिसिलिन, एक्सरे, अल्ट्रासोनोग्राफी एंड ईसीजी आर सम ऑफ द वंडर्स ऑफ मॉडर्न साइंस, कि ये जितने भी नाम है, चाहे पेनिसिलिन हो, एक्सरे हो, अल्ट्रासोनोग्राफी हो, ईसीजी हो और भी अनेक चीजें, वो सभी आधुनिक विज्ञान के कुछ ये चमत्कार हैं। साइंस हैज आल्सो कंट्रोल्ड इनक्यूरेबल डिजीजेस, कि विज्ञान ने आज वो रोग जो असाध्य हैं उनको बहुत हद तक नियंत्रित किया है। यानी कि ऐसे रोग जो ठीक नहीं होते लेकिन उनको नियंत्रित जरूर कर दिया है। अगला पॉइंट हो जाएगा हमारा इन एग्रीकल्चर, यानी कि कृषि के क्षेत्र में। साइंस हैज डन वंडर्स इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, कि कृषि के क्षेत्र में भी विज्ञान ने चमत्कार किए हैं। फार्मर्स यूज साइंटिफिक टूल्स फॉर कल्टिवेशन एंड ग्रो मोर क्रॉप्स, फ्रूट्स इटीसी, कि जो किसान हैं वो अब जो वैज्ञानिक उपकरण के माध्यम से खेती कर रहे हैं और ज्यादा फसल और फलों का उत्पादन वो करते हैं। मैनी टाइप्स ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड्स वी यूज टूडे आर ग्रेट वंडर्स ऑफ साइंस, कि अनेक प्रकार के आज हम जो कीटनाशक जो आज हम उपयोग करते हैं वो सभी के सभी विज्ञान के ही चमत्कार हैं। अगला पॉइंट हो जाएगा रिक्रिएशन,
यानी कि मनोरंजन, कि मनोरंजन के लिए विज्ञान ने क्या दिया है हमें। साइंस हैज डिस्कवर्ड मेनी वंडर्स फॉर अवर रिक्रिएशन, कि विज्ञान ने हमारे मनोरंजन के लिए भी कई चमत्कारों को खोज लिया है। वी हैव सिनेमा, टेलीविजन, रेडियो, टेप रिकॉर्डर, ग्रामोफोन एंड VCR etc. फॉर अवर रिक्रिएशन, यानी कि आज हमारे मनोरंजन के लिए हमारे पास सिनेमा है, टीवी है, रेडियो है, टेप रिकॉर्डर है, ग्रामोफोन है, VCR है। टेलीविजन इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वंडर्स ऑफ मॉडर्न साइंस, कि आधुनिक विज्ञान की सबसे बड़ी जो एक चमत्कार है वो है टीवी, टेलीविजन। वी कैन हियर सॉन्ग्स एंड म्यूजिक, इंजॉय ड्रामा, ड्रामा डांस, डिबेट थ्रू इट, कि हम टीवी की मदद से सॉन्ग्स म्यूजिक के मजे ले सकते हैं, और जो नाटक है, नृत्य है, या डिबेट किसी विषय पर हो रही है, वो सब किसकी मदद से हम कर सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं, टीवी की मदद से। अब इसके बाद हम एक और कोट ले रहे हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का, साइंस इज ए ब्यूटिफुल गिफ्ट टू ह्यूमैनिटी, वी शुड नॉट डिस्टोर्ट इट, कि विज्ञान मानवता को एक बहुत ही सुंदर तोहफा है, हमें इसको डिस्टोर्ट यानी कि गलत दिशा में नहीं ले जाना चाहिए, इसका गलत उपयोग नहीं करना चाहिए। अब आठवां पॉइंट है डिसएडवांटेज ऑफ साइंस, कि विज्ञान के हानि क्या है, यानी कि हर बात के दो पहलू होते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक, यानी कि विज्ञान से कुछ हानि भी हुई है उसको हम देखते हैं। एवरीथिंग हैज टू साइड्स, प्रत्येक चीज के दो पहलू होते हैं। साइंस टू हैज ए डार्क साइड, कि विज्ञान की भी एक जो साइड है वो गलत है। द इन्वेंशन ऑफ बम्स एंड अदर डेंजरस वेपन्स आर ए ग्रेट थ्रेट टू द ह्यूमैनिटी, कि जो बमों का आविष्कार हो गया है, इन्वेंशन ऑफ एटम बम्स, जो एटम बम है, और जो दूसरे खतरनाक हथियार वेपन्स यानी कि हथियार, वो एक मानवता के लिए आज एक खतरा है, थ्रीट यानी कि खतरा या धमकी। साइंस हैज मेड मैन ए स्लेव ऑफ मशीन्स, कि विज्ञान ने मनुष्य को आज मशीनों का गुलाम बना दिया है, स्लेव मतलब गुलाम। इट हैज मेड हिम लेजी एंड क्रेजी, इससे व्यक्ति आलसी भी बना है और व्यक्ति पागल सा हो गया है, यानी कि एक उदाहरण के लिए हम ले सकते हैं, जैसे मोबाइल अगर किसी व्यक्ति के पास 10 मिनट भी नहीं रहे तो बेचैन सा हो जाता है। तो ये लाइन इसी को कोट कर रही है कि इट हैज मेड हिम लेजी एंड क्रेजी, यानी कि व्यक्ति आलसी तो बना ही है, साथ में व्यक्ति का जो शांति है वो इससे कम हो गई है। इट हैज आल्सो स्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट, विज्ञान की वजह से आज बेरोजगारी भी बढ़ी है, यानी कि अगर किसी कार्य को 10 लोग करते थे तो 10 लोगों को रोजगार मिलता था, आज वही कार्य एक मशीन अकेले कर सकती है, तो इसलिए इससे बेरोजगारी की समस्या भी उत्पन्न हुई है। हार्मफुल केमिकल वेपन्स टू आर ए ग्रेट थ्रेट टू द पीसफुल लाइफ, कि जो घातक रासायनिक हथियार है वो भी आज शांतिपूर्ण जीवन के लिए एक खतरा है। तो ये डिसएडवांटेज हो गए साइंस के, कि विज्ञान से क्या क्या हानियां हैं। अब हम देख लेते हैं कंक्लूजन, निष्कर्ष क्या निकला आखिरकार, फिर इसमें हम कोट ले रहे हैं, बहुत बढ़िया। साइंस विदाउट रिलीजन इज लेम, रिलीजन विदाउट साइंस इज ब्लाइंड, कि विज्ञान अगर बगैर धर्म का है तो वो लंगड़ा है, यानी कि वो ठीक नहीं है अगर उसमें धर्म नहीं है तो। रिलीजन विदाउट साइंस इज ब्लाइंड, और धर्म है लेकिन अगर उसमें विज्ञान नहीं है तो वो भी अंधा है, यानी कि वो भी पूर्णता सही नहीं है, यानी कि ये एक दूसरे के लिए बहुत ही जरूरी है। तो कंक्लूजन में हम लिख रहे हैं, साइंस इज ए ग्रेट हेल्पर टू मॉडर्न मैन, कि विज्ञान वैसे तो आज के व्यक्ति के लिए बहुत ही सहायक है। साइंस शुड बी यूज्ड इन द सर्विस ऑफ मैन, कि विज्ञान का उपयोग मनुष्य की सेवा के लिए, उसके कार्य के लिए होना चाहिए। बिकॉज साइंस इज लाइक ए जिन, कि जो विज्ञान है वो एक जिन के समान है। हु कैन ब्रिंग मैनी गिफ्ट टू मैन, कि जो मनुष्य के लिए कई चीजें लाता तो है, बट इफ अनकंट्रोल्ड, लेकिन अगर ये अनियंत्रित हो जाए, इट हैज द पावर टू डिस्ट्रॉय ह्यूमैनिटी, अगर ये अनियंत्रित हो जाए तो इसके पास पूरी मानवता को समाप्त करने की शक्ति होती है। तो
साइंस का उपयोग मनुष्य की सेवा के लिए होना चाहिए। सो साइंस इज ए ग्रेट सर्वेंट बट ए बैड मास्टर। इसलिए कहा गया है कि विज्ञान एक अच्छा सेवक तो हो सकता है, लेकिन अगर यह मालिक बन गया तो यह बहुत बुरा मालिक रहेगा। इसलिए साइंस को एक सेवक की भांति रहना चाहिए।